हेलो एवरीवन, मैं नीश गुप्ता स्वागत करता हूं आपका द सीजीपीएससी कोच में। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा फूड इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया है, इसी को लेकर के हम थोड़ी बातचीत अभी करने वाले हैं। तो 84 पदों के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक के 84 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका डिटेल आपके सामने है। और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप सीजी व्यापम की साइट पे जा सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, जो कि 7 जनवरी 2022 से 30 जनवरी 2022 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, रात्रि 12 बजे तक, ठीक है। और त्रुटि सुधार के लिए 31 जनवरी 1 फरवरी और 2 फरवरी तीन दिन जो है करेक्शन के लिए दिया जा रहा है। यदि आप फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दे तो उसको यहाँ पर जाकर आप सुधार सकते हैं, ठीक है। परीक्षा की संभावित तिथि जो बताई गई है वो 20 जनवरी 2022 बताई गई है, परीक्षा की संभावित तिथि। लेकिन पैंडेमिक सिचुएशन है, हो सकता है यदि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हुई तो एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, एग्जाम डेट्स पोस्टपोन हो जाए। जैसे लास्ट ईयर आपने देखा था मंडी निरीक्षक 28 मार्च को होना था, पर पोस्टपोन होने के बाद वो बाद में काफी दिसंबर 2021 में हुआ। तो 100% मैं ऐसा नहीं कह सकता कि पोस्टपोन होगा ही, लेकिन जैसा हमने पहले सिचुएशन देखा हुआ है तो यदि इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं तो फिर ऐसा हो सकता है। एक बात और, सिचुएशन तो खराब हो ही रही है काफी, तो इसलिए आप अपनी सावधानी बरतें, भीड़ में डेंसिटी में लोगों के बीच जाने से बचें, ठीक है, ताकि स्प्रेडिंग कम से कम हो सके और आपका स्प्रेडिंग में कोई योगदान न हो। चलिए टॉपिक पे आइए। 20 फरवरी 2022 को एग्जाम होगा ऐसा अभी बताया गया है, ठीक है। और ये प्रदेश के जो 16 जिला मुख्यालय है वहां पर इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब रही बात इसकी आयु सीमा और योग्यता को लेकर के, आयु सीमा और योग्यता को लेकर के, तो थोड़ा सा इसको मैं आपको क्लियर कर दूं। आयु सीमा की बात जहां तक है तो जो भी, पहली बात तो ये है कि इस पे कौन अप्लाई कर सकता है, तो वे लोग अप्लाई कर सकते हैं जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए योग्यता है स्नातक, ग्रेजुएशन किसी भी विषय से, स्नातक या ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से, ये इसके लिए योग्यता है। आयु सीमा की हम बात करें तो चूंकि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही अप्लाई कर सकते हैं, तो पुरुषों के लिए आयु सीमा जो है वो 40 वर्ष है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। और यही महिलाओं के लिए जो आयु सीमा है वो 45 वर्ष है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। ये रही आयु सीमा वाली बात। अब इसमें हम देखें, ध्यान दीजिएगा, आपका 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। कितना? 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। तो जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है और जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात करते हैं, तो देखिएगा इसमें आपके टोटल 200 प्रश्न होंगे, 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात करना जरूरी है, ठीक है। प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा, ठीक है, और 3 घंटे के 200 प्रश्न होंगे, 200 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा। कुल 200 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा, 200 अंक का, 4 विकल्प होंगे और -1/4 जो है माइनस मार्किंग भी होती है गलत आंसर के लिए। तो व्यापम की सभी परीक्षाओं में यह बात लागू होती है। अब ये जो 200 प्रश्न है ये 2 भागों में बटे हुए हैं, सामान्य ज्ञान के 150 प्रश्न और खाद्य विभाग से संबंधित जो अधिनियम है और कंप्यूटर है उसको मिलाकर के 50 अंक के 50 प्रश्न। तो टोटल 150 और 50, 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर जो 150 अंक है, अच्छी बात यह है कि व्यापम के दूसरे एग्जामिनेशन की हम बात करें तो वहां पर हिंदी भाषा आपको पढ़ना होता है, अंग्रेजी भाषा पढ़ना होता है, रीजनिंग भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3-4 चीजें जो है ये हट गई। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, तो सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो पूरा का पूरा सामान्य ज्ञान जो आप सीजीपीएससी प्री के लिए पढ़ते हो, जीएस जो है वो पूरा का पूरा सामान्य ज्ञान, जिसके अंतर्गत भारत का संविधान, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत की अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान, जिसके अंतर्गत फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 10th लेवल के क्वेश्चन होते हैं और इन्वायरमेंट पर्यावरण। दूसरे भाग में हम देखें तो छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारी, मतलब छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, मतलब कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की जनजाति, लोक कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ प्रशासनिक संरचना, ठीक है, ये सारा कुछ आपको छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पढ़ना है।
तो ये हुआ जीएस वाला पार्ट, और उसके बाद है आपका मैथमेटिक्स। तो ये एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि फूड इंस्पेक्टर में जो है मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होते हैं, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब ये 30 प्रश्न आपको एक तरफा कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका मैथमेटिक्स में कमांड बहुत अच्छा है, क्योंकि जीएस में कमांड एक तरफा बहुत कम होता है, सभी का एवरेज होता है। तो अब आपको दूसरों से आगे निकलना है तो जीएस में तो सभी एवरेज जाएंगे। आपके पास आगे निकलने के लिए जरिया क्या है, तो एक तो मैथमेटिक्स है जिसमें अच्छी तैयारी हो तो 30 में से 30 सही हो जाते हैं। दूसरा इधर आप देखेंगे आवश्यक वस्तु अधिनियम अगर की हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट है 50 अंक का, इसको बहुत विस्तार से बहुत आराम से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ऑनलाइन क्लासेस में, बहुत अच्छी तैयारी होगी इसकी आपकी, ठीक है। तो इसमें 10 क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर से हो जाते हैं, 40 क्वेश्चन जो है आपके संबंधित विभाग से आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ये आपका टोटल सिलेबस है, ठीक है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1919, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012, ठीक है। इससे संबंधित जितनी भी योजनाएं वगैरह हैं, जो भी स्टेट के अचीवमेंट्स है, जो भी करेंट डेटा वगैरह है, वो सब यहाँ पर प्रश्न के रूप में शामिल किए जाएंगे। तो कुल 200 प्रश्न होंगे, 200 अंक के 3 घंटे का समय इसके लिए आपको मिलेगा। तो ये इसका टोटल सिलेबस रहा जहां से क्वेश्चंस आने हैं। अब यदि हम बात करें तो देखिएगा, हमारे द्वारा ऑफलाइन क्लासेस न उपलब्ध कराते हुए इसकी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही है। तो ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आप गूगल प्ले स्टोर से CGPSC कोच ऐप डाउनलोड करें, और इस कोर्स को आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में भी देख सकते हैं, आप अपने मोबाइल फोन में भी देख सकते हैं। तो वहां से आपको क्या करना है, CGPSC कोच मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन के स्टोर में जाइएगा, और स्टोर में आप देखेंगे तो ये आपको कोर्स मिलेगा खाद्य निरीक्षक वाला। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है, अभी ध्यान रखिएगा, इसका जो टोटल फी रखा हुआ है वो 2500 रुपीज फी रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटीज, एक अच्छी बात यह है क्या है, जीएस की क्लासेस हम पहले से ही प्रोवाइड करते आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जीएस की क्लासेस हमारे साथ काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं, पहले ही उन्होंने कोर्सेज वगैरह को ज्वाइन किया हुआ है, उनको मुख्य रूप से आवश्यक है। तो मुख्य रूप से क्या आवश्यक है इस बार इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो अधिनियम वाला पार्ट है वो, और जो मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है वो, ठीक है, ये इनके लिए ज्यादा जरूरी है। तो मैथमेटिक्स के बेसिक लेक्चर्स वो आपको यूट्यूब में भी हमारे मिल जाएंगे, इसमें जो मैथमेटिक्स के बेसिक लेक्चर के साथ साथ एडवांस लेक्चर आपको अवेलेबल होने वाला है, क्योंकि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का लेवल होता है एडवांस, तो इसमें एडवांस लेवल के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस इस बार मेरे द्वारा आप लोग को कोर्सेज में करवाए जाएंगे, ठीक है। ये देखिएगा, यहाँ पर आप क्या करें, प्ले स्टोर में ऐप डाउनलोड करें, ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर में जाएं, स्टोर में खाद्य निरीक्षक का इस लोगो के साथ आपको कोर्स मिलेगा, और उसमें देखिएगा उसको जब ओपन करेंगे तो ज्वाइन करने के लिए बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। इसकी 2500 रुपीज टोटल फीस है, लेकिन बाय नाउ के ठीक ऊपर अप्लाई कूपन मिलेगा आपको, और उस कूपन को अप्लाई करें या फिर FCFI 2022, ध्यान दीजिएगा FCFI 2022 ये वाला कूपन कोड यूज करें, और कूपन कोड यूज करने के बाद 2500 में आपको 50% का डिस्काउंट मिलते हुए ये जो फी है वो 1250 रुपीज रहेगा, और ये जो फैसिलिटी है ये 15 जनवरी तक आपके पास अवेलेबल है। तो मुख्य रूप से हमने ये प्लान किया है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जीएस वगैरह की क्लासेस को ज्वाइन किए हुए हैं उनको अधिनियम और मैथमेटिक्स और टेस्ट सीरीज हमको प्रोवाइड करना था, तो इसलिए हमने इसमें 50% का कंडीशन रख दी है, 50% ऑफ कर दिया है, ताकि पुराने स्टूडेंट्स जो है हमारे वो जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो यहां से इस तरह से आप कोर्स को डायरेक्टली गूगल पे फोन पे वगैरह से पे करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स डिटेल में देखेंगे, कंटेंट्स में इस तरह के फोल्डर बने हुए हैं जिसके अंतर्गत आपको सामान्य गणित, छत्तीसगढ़ अध्ययन, सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, उसके साथ साथ अधिनियम वाले फोल्डर्स वगैरह ये आपको दिखाई देंगे। तो अधिनियम के वीडियो लेक्चर सभी अपलोड नहीं हुए हैं, वो कल से अपलोड होने स्टार्ट होंगे, ठीक है। कंप्यूटर का तो बेसिक है, यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स के सारे वीडियो लेक्चर्स डाल दिए गए हैं, यहीं पर एडवांस मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स और अपलोड होंगे, और जीएस वगैरह के, छत्तीसगढ़ वगैरह के भी वीडियो लेक्चर्स काफी कुछ अपलोड कर दिए गए हैं, करंट के डेटा वगैरह इसमें और अपलोड किए जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप कोर्सेज को ज्वाइन करें, और सबसे खास बात यह है कि जस्ट लाइक मुझे एक कमेंट ऐसा मिला था कि कोर्स ज्वाइन करने से सिलेक्शन हो जाता है, तो भाई इस धोखे में बिल्कुल नहीं रहिएगा। किसी भी स्टूडेंट के सिलेक्शन में कोर्स ज्वाइन करने से कोई सिलेक्शन नहीं होता, या कोचिंग करने से कोई सिलेक्शन नहीं होता, उसको पढ़ने से, मतलब हम फैसिलिटी प्रोवाइडर हैं,
हम आपको सोर्सेस बताते हैं, गाइडलाइन देते हैं, आपका सिलेक्शन आपकी अपनी वजह से होता है, आपकी अपनी मेहनत से होता है। जो चार्जेस आप पे करते हो वो आप उस सर्विस के चार्जेस आप पे कर रहे हैं जो आप लोग को गाइडलाइन दिया जा रहा है, जो फैसिलिटी आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कोर्स को ज्वाइन करते हुए एग्जाम के लिए टारगेटेड हो जाए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चूंकि 13 फरवरी को प्रीलिम्स भी है, मतलब पढ़ाई के साथ हम लगातार बने हुए हैं। जो कुछ नया पार्ट है, मतलब यदि आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम्स पे फोकस रहिए, डेली मैथमेटिक्स को 1 घंटा 2 घंटा एडिशनल टाइम दीजिए, एडवांस लेवल मैथमेटिक्स को, ठीक है। और उसके अलावा जब आपका 13 फरवरी को पेपर हो जाएगा तो उसके बाद जो 5-6 दिन बचे हुए हैं ना, उस 5-6 दिन में आपका कंप्यूटर और अधिनियम वाला पार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह से एक अच्छी प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, भिड़ जाइए और तरीके से तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।